हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एससीईआरटी की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन हिंदी अर्थात पठन अभियान हिंदी की कार्यपत्रक 18 हल करेंगे, वर्कशीट 18 हल करेंगे, जो कि 7 फरवरी 2022 की है। बच्चों, यह कक्षा एक के छात्र छात्राओं के लिए है। इसकी थीम है आओ कहानी बुने। क्या थीम है? आओ कहानी बुने। बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हम सबको कहानी पढ़ना व कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। कहानी को आगे बढ़ाने में तो बहुत ही मज़ा आता है। तो आइए मिलकर एक कहानी बनाते हैं। यहाँ पर प्रश्न एक दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र एवं शब्द पेटी में दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी को पूरा कीजिए। बच्चों, शब्द पेटी में शब्द कौन कौन से दिए गए हैं? खुश, सिल, रंग। चलिए इनके सहायता से कहानी को पूरा करते हैं। मुनिया ने अपना गुलाबी कुर्ता निकालकर कुर्सी पर रखा और रसोई घर में पानी पीने गई। तभी एक नटखट चूहिया कुर्ता कुतर गई। मुनिया कुर्ता देखकर बहुत उदास हो गई। यह देखकर नटखट चूहिया कान पकड़कर बाहर आई और माफ़ी मांगने लगी। वह अपनी गलती सुधारना चाहती थी। अपनी गलती सुधारने के लिए नटखट चूहिया ने कुर्ते को डैश, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिल। कुर्ते को सिल दिया और कुर्ते को डैश से सजा दिया, तो यहाँ लिखेंगे रंग, और कुर्ते को रंग से सजा दिया। कुर्ता पहनकर मुनिया बहुत डैश हुई, तो यहाँ लिखेंगे खुश। कुर्ता पहनकर मुनिया बहुत खुश हुई और नटखट चूहिया को प्यार किया। तो बच्चों, यहाँ हमने शब्द पेटी में दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी को पूरा कर दिया। चलिए कहानी पढ़ने के बाद अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को करते हैं। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने भाई बहनों को यह कहानी अपने शब्दों में सुनाइए। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो अब आप अपने भाई बहनों को यह कहानी अपने शब्दों में सुनाएंगे, तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। और प्रश्न 3 है, बच्चों आप अपने मन से इस कहानी का कोई नाम सोचकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, आपको अपनी कॉपी में इस कहानी का नाम सोचकर लिखना है। बताइए बच्चों, आप इस कहानी को क्या नाम देंगे? चलिए, आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ मुनिया और नटखट चूहिया। तो यह नाम तो मैंने दिया है, आपको अच्छा लगे तो इसे लिख लेना, नहीं तो आप अपने शब्दों में आप अपनी समझ से भी इस कहानी को जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।